अफगानिस्तान पर तालिबान को कब्जा जमाए 6 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब तक सरकार का गठन नहीं हुआ है। इसके लिए तालिबान के शीर्ष नेतृत्व के बीच लगातार बातचीत जारी है। तालिबान ने अफगानिस्तान के सभी 34 प्रांतों में से सिर्फ एक पंजशीर को छोड़कर सब पर कब्जा कर लिया है। पंजशीर में अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद और खुद को अफगानिस्तान का केयरटेकर राष्ट्रपति घोषित कर चुके अमरुल्ला सालेह तालिबान को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। पंजशीर से ही तालिबान के खिलाफ नया नेतृत्व बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पंजशीर से सामने आ रही रिपोर्ट की माने तो आगामी सरकार को लेकर अहमद मसूद और तालिबान के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन अब तक कोई भी समझौता नहीं हुआ है। बता दें कि अहमद मसूद के पिता अहमद शाह मसूद भी तालिबान के खिलाफ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने सोवियत संघ को भी देश से बाहर करने में अहम भूमिका निभाई थी। तालिबान और अलकायदा ने साल 2001 में साजिश रचते हुए अहमद शाह मसूद की हत्या कर दी थी। वहीं काबुल पर काबिज होने के बाद से महिलाओं के हक की बात करने वाला तालिबान अब अपने असली रूप में आ गया है। तालिबान ने हेरात के सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में लड़के लड़कियों के साथ पढ़ने पर रोक लगा दी है। तालिबान ने इसे समाज में व्याप्त सभी बुराइयों की जड़ बताया है। तो वहीं खामा प्रेस न्यूज एजेंसी ने बताया कि विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों, निजी संस्थानों के मालिकों और तालिबान अधिकारियों के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। पिछले हफ्ते अफगानिस्तान पर तेजी से कब्जा करने के बाद तालिबान द्वारा जारी किया गया ये पहला फतवा है। मंगलवार को तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने वादा किया था कि तालिबान अधिक उदार रूप को दिखाते हुए इस्लामी कानून के तहत मिलने वाले महिलाओं को अधिकार देगा और उन्हें शिक्षा लेने देगा। इसके साथ ही खबर ये है कि जो सैनिक अफगानिस्तान के लिए तालिबान से लड़ना चाहते हैं, वो भी पंजशीर में जुट रहे हैं और तालिबान को सबक सिखाने की तैयारी कर रहे हैं। दुनिया के कई मंचों से पंजशीर ने ये अपील की है कि उन्हें हथियार और साजो सामान मुहैया कराया जाए, ताकि तालिबान के खिलाफ एक बड़ी शक्ति संगठन को खड़ा किया जा सके। उधर नाटो सैन्य समिति ने अफगानिस्तान में चल रही स्थिति और उसके सामान्य दृष्टिकोण के निरंतर समन्वय पर चर्चा करने के लिए अपने दृढ़ समर्थन मिशन भागीदारों के साथ एक विशेष बैठक बुलाई। इस असाधारण बैठक में नाटो सैन्य प्रतिनिधियों ने अफगानिस्तान में चल रही स्थिति, उसके सामान्य दृष्टिकोण और नाटो संबद्ध कर्मचारियों की निरंतर निकासी पर चर्चा करने के लिए रेसोल्यूट सपोर्ट के ऑपरेशनल पार्टनर्स की प्रतिनिधि करने वाले अपने समकक्षों के साथ मुलाकात की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।